सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो लोक आवाज टीवी ते मैं मनिंदर जीत सिद्धू। इस वक्त की वड्डी अपडेट लैके तुहाडे नाल हाजिर होए हां। जिवें कि काफ़ी दिनों तो क्यासराइयां लाइया जा रही सी, जदों तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिता उदों तो चर्चा सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकता है आने वाले दिनों विच बीजेपी चले जा, क्योंकि मन्या इस करके जा रहा सी कि काफ़ी लंबे समय तो जदों तो कांग्रेस के विवाद चल रहा सी उदों तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कितें ना कितें वो मिलन जा रहे सी, अमित शाह भी मिलते रहे, होरां भी मिलते रहे, बीजेपी के लीडर के संपर्क में सी। खास करके वड्डी गल अमित शाह के संपर्क के जदों अस्तीफा दिता, अस्तीफे तो बाद भी उन्होंने तो कई पत्रकारों ने पूछा, रोजाना स्पोक्समैन की इंटरव्यू के भी पूछा गया कि तुसी राजनीति छड्डण की गल करते पिछले इलैक्शन कि तुसी राजनीति छड्डोगे, तो उन्होंने कहा कि पहला मैनू लगता सी कि मैं राजनीति छड्ड देवांगा, पहला मैनू यह लगता सी, पर हुण मैं राजनीति नहीं छड्डांगा, हुण मैं चोण लड़ांगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सिद्धू नूं हरावांगा, मैं सिद्धू नूं हराउण लई कैंडीडेट बराबर खड़ा करांगा, मैं किसी ना किसी तरीके सिद्धू नूं पिछे करांगा। तो ये गल उदी चल पई सी कि नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़ी चल गई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछे हट गए है, कैप्टन अमरिंदर सिंह दा अस्तीफा हो गया, तो उत्थे ये गल चल पई सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह है जिहड़े वह बीजेपी जा सकते हैं। हुण अज अमित शाह नूं पहलां कल दियां गल्लां आईयां सी कि वह अमित शाह कोल पहुंचे आ, फिर विच जी जदों नवजोत सिंह सिद्धू अस्तीफा दे गए, वह गल ते एक बार विराम लग गया सी, पर अज जिहड़ी ताज़ा अपडेट है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह नूं मिलन पहुँच चुके हैं। जिहड़े माहर है वह ये भी गल कह रहे हैं, राजनीतिक माहर है वह ये भी गल कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकता है आने वाले दिनों दे, क्योंकि पंजाब दे विच जिहड़ा बीजेपी का हाले वड्डा आधार नहीं है, पंजाब दे विच किसानी बिल्ला करके, पंजाब दे विच कई होर कारणा करके बीजेपी का विरोध है, वड्डी गल किसानी बिल, क्योंकि जिहड़े किसान है 300 दिन तो लगभग उत्ते दा समा हो गया वह दिल्ली के बार्डर से बैठे है, जिस करके पंजाब दे विच संयुक्त किसान मोर्चे का भी क्या होया कि बीजेपी का वड्डे पद्धर ते घराओ करना है, बीजेपी का विरोध करना है, बीजेपी जिमें भी तुहाडे पिंडां दे विच जे दाखल हुंदे आ, तुहाडे शहरां दे विच कोई लीडर आउंदा है तां उहदा विरोध कीता जाणा है। तो उस तरीके दे नाल बीजेपी लई जमीन इन्नी सौखी नहीं, पर जिमें चर्चावां चल रही ये चल रही कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अगे लगा के बीजेपी हो सकता है कि आने वाले दिनों दे विच बिल्लां नूं भी वापस लै लवे, कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अपना चेहरा बना के पेश करे, क्योंकि राजनीति दे विच जे असीं कहीए कि कुछ भी असंभव नहीं हुंदा, राजनीति दे विच सब कुछ संभव हुंदा है, जिस करके ये गल तो कितें भी मुनकर नहीं होया जा सकता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आने वाले दिनों दे विच बीजेपी दे विच शामिल हो के ते पंजाब दे विच बतौर प्रधान, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि साड़ी पंजाब दे विच कदम लवाउण वाला, साडे पंजाब दे विच सानू अगे लैके जाण वाला कोई वड्डा चेहरा सामने आवे, कोई वड्डा चेहरा सामने आवे जो साडी पार्टी की पूरी तरीके दे नाल जड़ मजबूत करे, पार्टी नूं पिंडां विच वण जोगा करे। तो इस करके जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह है, कैप्टन अमरिंदर सिंह वड्डे लीडर है, पंजाब के साबका मुख्यमंत्री है, वड्डा आधार है, लोगों के विच इह भी कहा जांदा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जेकर बीजेपी विच रलदे है तो हो सकता है किसानी बिल भी रद्द होण, क्योंकि शर्त हो सकती है कि वह ये रखन, क्योंकि जिन्ना चिर बिजली जिहड़े है खेतीबाड़ी के बिल है, तीन बिल है वह रद्द नहीं होंदे, जिहड़ा बीजेपी दा पंजाब दे विच है जिहड़ा किसी भी जगह प्रचार करना बहुत औखा है, क्योंकि पंजाब विच तुसीं देखिया होवे चाहे मलूट की घटना होवे जां वख वख किते बीजेपी के लीडर का बयान आ जाए उस तो बाद जिहड़ा गोहा सुट्टण की घटना आ जाती है, तो अजिहियां घटनावां करके जिहड़ी ये सब कुछ बीजेपी लिए इन्ना सौखा नहीं है। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह गए है, पंजाब की राजनीति दे विच वड्डी हलचल होने की संभावना है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे शामिल होने नाल बीजेपी नूं काफ़ी जिहड़ा लाभ मिल सकता है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक वड्डा चेहरा है, जिस करके पंजाब दे विच उन्हां नूं फेस मिल सकता है, पंजाब दे विच उन्हां नूं एक, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कुछ ना कुछ जिहड़ी वोट है वह जरूर जमीनी पद्धर ते बैठी है, जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल सिद्धे जुड़े हुए है, चाहे पिछलियां चोणां तों पहलां उन्हां ने जट महासभा बनाई होवे उत्थे भी उन्हां दे नाल लोक खड़े सी, ते हुण भी जिहड़े है कैप्टन अमरिंदर सिंह है जिहड़े वह अज भी अपना कुछ आधार रखते हैं, ये नहीं गल कि आधार नहीं रखते, जे खेती कानून रद्द हो जाते हैं तो हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ते बीजेपी दोनों ही वड्डा फायदा मिले, जिस दे करके जिहड़ियां चर्चावां चलदियां सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो जाएंगे वो चर्चावां ते लगभग लगता है कि मोहर लग जाएगी, जिवें वह अमित शाह नूं मिलन गए है, जिवें वह अमित शाह कोल गए अज्ज तां कुछ वड्डी
ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।